नमस्कार दोस्तों, नॉलेज ऑफ चैनल में आप सभी का स्वागत है। लेट्स लर्न टुगेदर। आज के वीडियो में हम लोग वॉल पैनलिंग और सेफ्टी डोर कैसे बैठाते हैं ये देखने वाले हैं। ये आप तस्वीर देख सकते हैं, ये इमेज देख सकते हैं वॉल पैनलिंग का और सेफ्टी डोर का। ये कुछ व्यूज़ है वो काम होने के बाद में। ये देखिए एक वॉक थ्रू है, ये वॉल पैनलिंग कैसे किया है उसका। ये साइड में शू रैक है, दो शू रैक है और साइड का वॉल पैनलिंग, और ये सेफ्टी डोर है आप देख सकते हैं, और ये शू रैक। ये देखिए ये पूरा होने के बाद में ऐसा दिखता है। अभी हम देखेंगे कैसे काम करते हैं। इस शुरुआत में ये आप दीवार देख रहे हैं, इसमें ज़्यादातर प्लाई का पूरा पैनलिंग किया है। ये प्लाई है 303 BWR ग्रेड का है, 12 mm और 18 mm प्लाई का इस्तेमाल किया गया है। ये देखिए इसमें प्लाई फिक्सिंग का काम चल रहा है। ये हैमर मशीन से ये दीवार को होल करते हैं उसमें प्लाई बैठाने के लिए, और कटिंग मशीन से ये प्लाई कट करते हैं। और ये जिग सॉ मशीन है, इससे ये प्लाई को सर्कल निकालते हैं। जैसे ये पैनलिंग वर्क में जो सीलिंग है, सीलिंग के यहाँ दो लाइट है तो उसके लिए दो सर्कल कटिंग की ज़रूरत है, तो उसका सर्कल कटिंग कर रहे हैं। ये देखिए अब ये पैनलिंग का शुरुआत का काम, जैसे पैनल साइड में प्लाई बैठाया है, ऊपर में वो स्ट्रिप लगाया है उसके ऊपर पैनल प्लाई लगाएंगे। ये भी देखिए अब ये पूरा प्लाई का पैनलिंग रेडी हो गया है, पूरा प्लाई लगाया हुआ है दीवार में भी, सीलिंग में भी और बीम में भी, ये आप देख सकते हैं। ये प्लाई लगाने के बाद में जो भी जॉइंट्स है, नेल्स है, उसका जो भी रफनेस है वो ग्राइंडिंग करके उसको निकालते हैं। वो स्मूथ रहना चाहिए ताकि लैमिनेट उसको अच्छा से चिपक सके। ये ग्राइंडिंग प्रोसेस आप देख रहे हैं। और ये डिज़ाइन है, इस हिसाब से यहाँ ये लैमिनेट बैठाने का है। ये देखिए ये 2 इंच का डार्क का पट्टी है और बीच में सब फेंट वाले सेक्शन है। ये इसका अभी मार्किंग कर रहे हैं वो डिज़ाइन के हिसाब से, पूरा ग्रिड मार्किंग करने के बाद में उसके हिसाब से लैमिनेट कट करके उस पर लगाने का है। यहाँ 1 mm थिक लैमिनेट का इस्तेमाल किया गया है, एडवांस कंपनी का 1 mm थिक लैमिनेट। ये आप सेफ्टी डोर देख सकते हैं, ये सेफ्टी डोर वर्कशॉप में प्रिपेयर किया गया, इसका भी ग्रेडिंग देख सकते हैं। और सेंटर में जो है वो इलेक्ट्रोप्लेटेड SS304 का ग्रिल है, ये लेज़र कटिंग द्वारा तैयार किया गया है गोल्ड फिनिश का। ये देखिए सेफ्टी डोर बैठा रहे हैं, सेफ्टी डोर पे भी वैसा ही डिज़ाइन मार्किंग किया गया है, उसके हिसाब से लैमिनेट लगाया है। ये 1 mm थिक का लैमिनेट इस्तेमाल किया गया है, एडवांस कंपनी का, ये आप देख सकते हो ग्रिड के हिसाब से लैमिनेट लगाए हैं। ये लैमिनेट लगाते समय उसके साइड से कट करने के बाद में साइड से भी उसको घिसना पड़ता है ताकि साइड का एज स्मूथ रहे। पूरा प्रॉपरली मेजर करके उसको लगाने में काफ़ी समय जाता है। ये देखिए लैमिनेट का साइज़ का एज कैसे क्लियर कर रहे हैं, उसको रंधा मार के उसको स्मूथ कर रहे हैं।
ये देखिए, ये 2 इंच का पट्टी है डार्क कलर का और बीच में होलो कलर का है। लैमिनेट कटर से लैमिनेट कट करते हैं और हीटेक्स पीडीलेट कंपनी का है, उससे लैमिनेट प्लाई को चिपकाते हैं। फेविकॉल का भी इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए लैमिनेट चिपका रहे हैं। हीटेक्स और फेविकॉल, ये दोनों एडेसिव का इस्तेमाल किया गया है। ये लैमिनेट लगाने के बाद में उसके ऊपर से वो छोटा लकड़ी से उसको प्रेस करते हैं ताकि वो अच्छा से प्रॉपर से चिपक सके। हैं और ये ऊपर में लाइट भी लगा है, ये देखिए। ये सेफ्टी डोर का जो ग्रिल है बीच वाला, वो लेजर कटिंग से बनाया हुआ है। ये अभी साइड का वॉल पैनलिंग और ये शू रैक का काम है, ये देखिए। इसमें भी सेम प्लाई इस्तेमाल किया गया है। ये हैमर मशीन से प्लाई दीवार में फिक्स कर देते हैं। सेम प्रोसीजर है। ये अभी शू रैक का बॉक्स है, इसमें शेल्फ बनाए हैं। ये 2 शू रैक बनाए, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला। इसमें व्हाइट लैमिनेट का इस्तेमाल किया गया है, 12 mm प्लाई का इस्तेमाल किया गया है।
ये देखिए टॉप में ग्राइंडिंग कर रहे हैं ताकि लैमिनेट अच्छे से चिपके। ये नेल गन से ये बॉटम का पट्टी चिपका लगा रहे हैं। अब इसमें अभी लैमिनेट लगा रहे हैं, ये वाइट कलर का लैमिनेट है, ये भी 1 mm थिक का है, 1 mm थिकनेस वाला लैमिनेट है। इस तरह से शू रैक भी बना दिया है। ये देखिए अभी पूरा व्यू। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर आप पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड का बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।